हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज एक वेजिटेरियन केक बनाएंगे बिना अंडे के, बिना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के। जो लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वो भी इसे एक बार ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसका फ्लेवर कुछ अलग ही होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का केक आपने पहले कभी भी खाए होंगे, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आते हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बटर मिल्क बनाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है दूध, यहाँ पर 150 ml दूध है, और साथ में हमें चाहिए नींबू का रस। तो एक नींबू को मैंने दो हिस्सों में टुकड़ा कर लिया है क्योंकि इसका हमें रस निकालना है। तो इस तरह से फ्रेश जूस निकाल लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि जूस पहले निकाल लिया है और फिर डाल देंगे, तो इससे ये कड़वा हो जाते हैं। जब भी बनाना हो जूस फ्रेश निकालें, और दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध में इसे ना डालें। तो इसे मिला देंगे, और मिलाने के बाद 15 मिनट के लिए इसे साइड में ढककर रख देंगे। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो दूध लगभग कार्डल हो चुके हैं। तो अभी इसको मिला देंगे तो ये वापस से लिक्विड पोर्शन में आ जाते हैं, तो इतना सॉलिड दूध नहीं रहते हैं। फिर इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच तेल ले लिया है, ये वेजिटेबल ऑयल है। आप चाहो तो इसमें मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बटर को ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हमें चाहिए लाइम जेस्ट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये नींबू लिया है, जो कि आप टाइटल से ही समझ जाएंगे कि ये गोंधोराज लेबू है, जो कि बंगाल में बहुत ही फेमस है, और बंगाल का बहुत शान है ये। बहुत, क्या बताऊँ मैं आपको, इसका जो फ्लेवर है वो किसी और नींबू में नहीं होते हैं। तो इसका छिलका हमें चाहिए, तो इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, लेकिन छिलके के नीचे जो वाइट पोर्शन आते हैं उसे ना ले, नहीं तो ये कड़वा हो जाते हैं। सिर्फ ग्रीन पोर्शन हमें चाहिए। अगर ये नींबू आपको नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी नींबू मिले वही ले, लेकिन ये जो नींबू है इसका फ्लेवर कुछ अलग ही होते हैं। इसमें जूस ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसका एरोमा जो है वो सबके मुकाबले आगे रहते हैं, सभी जो नींबू है मेरे हिसाब से तो यही है। इसलिए मैं इसी नींबू का आज केक बना रही हूँ, दूसरा कोई फ्लेवर मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसे इस तरह से टैप करते हुए जो भी लगे हुए हैं सब कुछ निकाल लेंगे, और एक नींबू के ही जेस्ट हमें चाहिए, इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अभी से इसकी खुशबू आना चालू हो गया है, तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर शुगर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 बड़े चम्मच पाउडर्ड शुगर लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ना शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। वैसे भी ये पाउडर्ड शुगर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। अब हमें चाहिए मैदा। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच मैदा ले लिया है, साथ में हमें चाहिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और चुटकी भर नमक। अब इसे छान लेंगे। कोई भी लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए, अगर भी कोई गुठली हो तो इसे बाहर कर दें। तो ये देखिए, ये तो एकदम क्लीन निकले हैं, पूरा साफ निकला है, कोई भी गुठली नहीं है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर ज़रूरत हो, अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइट बन रहे हैं या फिर गाढ़ा हो गए हैं, तो थोड़ी दूध इसमें मिलाई जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि इस बैटर में थोड़ी और दूध की ज़रूरत है। ये एकदम राइट कंसिस्टेंसी में है, और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि हम ये जो छोटे छोटे लम्स दिख रहे हैं वो एकदम से
स्मूथ हो जाए, यानी कि एक स्मूथ बैटर होने तक हमें इसे मिलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन फूड कलर डाली है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लाइम केक है इसीलिए थोड़ी सी ग्रीन फूड कलर मैंने डाल दिया है। आपके पास अगर येलो फूड कलर हो तो वो भी डाल सकते हो, और बिना फूड कलर के भी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, हमें टेस्ट से मतलब है, पर ये देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है इसलिए मैंने थोड़ी सी फूड कलर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे, और ये देखिए स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। फिर हमें चाहिए केक बेकिंग मोल्ड। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तेल लगा दिया है और एक ब्रश की मदद से तेल को स्प्रेड कर लेंगे। आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बटर को मेल्ट ना करें, बस उसे थोड़ी सी सॉफ्ट कर ले, फिर इसे इस तरह से पूरे साइड में स्प्रेड कर दें। और इसके बाद इसमें डाल देंगे पार्चमेंट पेपर। इसे लगाने से केक बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाते हैं और इसका तलवे का जो हिस्सा है वो जलता नहीं है, इसीलिए ये लगाते हैं। अब पेपर के ऊपर से भी तेल स्प्रेड कर देंगे। और फिर ऊपर से थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने के बाद उसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे पूरे बेकिंग जो ट्रे है उसके साइड की वॉल में भी अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे, इससे केक टिन के साथ चिपकेगा नहीं। इस तरह से हमें इसे स्प्रेड करके तैयार करना है। और फिर उसके बाद ये जो केक बैटर है इसे ट्रे के अंदर पोर कर देंगे, इस तरह से एक ही जगह पर, इसको ना फैले, पूरी फैलाते हुए आगे से पीछे करते हुए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से इस केक बैटर को पोर कर ले, एक ही जगह पर पूरी केक बैटर ना डाले इस तरह से। तो ये हो गए हैं। अब बचे हुए जो है वो भी इसे क्लीनली निकाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इसे टैप करना है, थोड़ी सी हिला देंगे और इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि बीच में कोई भी एयर बबल्स हो गए हो तो वो ब्रेक हो जाए। अब इसे 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन पर बेक कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना ओवन के भी बेक कर सकते हो। और ये बेक होके निकल गए हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी कलर आई है ऊपर से। और एक टूथपिक लगा कर देख लेते हैं कि अंदर से कच्चा है कि नहीं। तो देख सकते हो टूथपिक एकदम क्लीन निकले हैं, मतलब ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो अभी इसको डिमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए एक शार्प नाइफ की मदद से इसका जो किनारा है उसे लूज कर लेंगे और फिर प्लेट के ऊपर इस तरह से इसको पलट देंगे तो ये अपने आप निकल जाते हैं। और नीचे जो पार्चमेंट पेपर लगाए हैं उसे भी सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। तो पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। तो अब ये ठंडा हो चुके हैं तो इसे काट कर देख लेते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर से कैसी दिखते हैं। तो काटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट बने हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं बिना अंडे के। तो लीजिए, यहाँ पर ये केक खाने के लिए एकदम से तैयार है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये नई तरह की केक है बिना आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के, बिना अंडे के। घर पर इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बच्चों को टिफ़िन में दे, चाय के साथ इसे ले, या फिर कभी भी आप इसको खा सकते हो जब भी आपका मन चाहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।